माइसेल डॉक्टर अमित मित्तल, डायरेक्टर मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर वैशाली नगर जयपुर। आज हमारे पास एक पेशेंट है, उनसे जानते हैं उनको क्या प्रॉब्लम थी और कैसे ठीक हुए वो। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी। सर आप ये बताएं, अपना इंट्रोडक्शन दें हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में। मैं सर भरतपुर राजस्थान से हूँ और मैं फौज में सर्विस करता हूँ। मेरी उधर ही उंगली कट गई थी फौज में ही। फौज में? मतलब भरतपुर में? नहीं नहीं, कहाँ पर कटी थी? मैं उधर बंगाल में नौकरी करता हूँ तो उधर ही मेरी उंगली कट गई थी। बंगाल में? बंगाल में सर। कितना दूर है वो? सर 24 घंटे का रास्ता है। 24 घंटे का? भरतपुर से। कैसे कट गई थी वहाँ पर, क्या काम कर रहे थे? सर मैं फौज में सर्विस करता हूँ तो प्रैक्टिस कर रहा था, उस दौरान मेरी उंगली कट गई थी। किस चीज में आ गई थी जो कट गई थी? सर हथियारों में आ गई थी। हथियार में? अच्छा, हथियार में आ गई थी सर, तो उसे उंगली मतलब अलग हो गई थी। तो डॉक्टरों ने इसको मतलब जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ये बोला कि इसको तो हटाना ही पड़ेगा। ओके। तीन दिन के बाद बोला, वही बोला कि तीन दिन के बाद इसको हटाना ही पड़ेगा। मैं बोला अभी क्यों नहीं हटाया? बोला देख लेते हैं, अगर हो जाती है ठीक है, नहीं तो हटाना ही पड़ेगा। ओके। फिर मैं वहां से छुट्टी आ गया तो मैंने अपने यहाँ मतलब भरतपुर में इलाज कराया सर। उसके बाद डॉक्टर बोले इसमें तो इन्फेक्शन हो जाएगा, इसको तो हटाना ही पड़ेगा। अच्छा, वहां पर भी यही बोला? उधर भी यही बोला, भरतपुर में भी। तो उसके बाद आपका सर एक मतलब डॉक्टर साहब थे, उन्होंने आपका एड्रेस दिया। आपका एड्रेस दिया तो वो आपके पास आया, आपने उंगली मेरी सही कर दी सर। लेकिन डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन किया तो डॉक्टर साहब बोला ठीक हो जाएगी। कितना टाइम लगा आपको? हमने ठीक मतलब कोई ज्यादा दवाई दी हमने आपको? नहीं नहीं, ज्यादा दवाई नहीं दी। आज मेरे को 22 दिन हुए डॉक्टर साहब के पास आए, मेरी उंगली बिल्कुल जुड़ गई है, बिल्कुल ठीक हो गई है। कौन सी उंगली थी ये? फुल मूवमेंट करके दिखाई थे ऐसे ऐसे? हाँ परफेक्ट है, ठीक है, फुल फुल ऐसे करके। तो आज आप वापिस क्या बंगाल जा रहे हैं? हाँ सर, मैं कल जाऊंगा बंगाल। तो वायर वगैरह सब निकल गए, तो अब आपकी क्या क्या फीलिंग है? मतलब जो आपने, जो पूरे गांव वाले लोग क्या बोलते थे आपको जब आप हमारे पास आए और फिर ऑपरेशन कराया? सारे सर यही बोलते थे, बोला छोटी सी तो है उंगली, इतनी सी तो है, इसको कटवा दे। मैं बोला इसको कटवाऊंगा तो मेरे सर्विस में फर्क पड़ेगा, कैटेगरी मिल जाएगी, इसलिए मैं इसको नहीं कटवाऊंगा। जहां तक कोशिश होगी मैं इसको जुड़वाने की कोशिश करूंगा। और डॉक्टर साहब के पास आया मैं, डॉक्टर साहब ने मेरी उंगली जोड़ दी, बिल्कुल ठीक कर दी। तो अब वो गांव वाले क्या बोलते हैं कि अच्छा हुआ करवा लिया? हाँ गांव वाले भी तो ये बोलते, बोला उंगली ठीक हो गई? मैं बोला हाँ ठीक हो गई, बोला अच्छा हुआ। अब अच्छा हुआ सही है। तो आप अपने बंगाल वालों को, भरतपुर वालों को और जो भी अपने नजदीकी हैं, जो भी आपको उस टाइम डिस्करेज कर रहे थे, मना कर रहे थे, उन सबको और जो भी लोगों के ऐसी घटना घटती है उन सबको क्या आप वो देना चाहते हैं? अगर किसी के पास ऐसी घटना घटती है तो जयपुर में अपने डॉक्टर साहब है अमित मित्तल, इनके पास आइए, इनके पास 100% श्योर ठीक हो जाएंगे। बट मैं नहीं दूंगा गारंटी। तो मैं अपनी तरफ से आपको इन पेशेंट के थ्रू ये बताता हूँ कि जब ये मेरे पास आए थे तो उंगली मेरी काली नहीं हुई थी, लेकिन उसमें गंदा इन्फेक्शन था, हड्डी 2-3 लेवल पे टूटी हुई थी, नाखून भी काफी क्रश था, स्किन की कमी थी और उंगली लटकी हुई थी। तो जब ऐसा केस था तो मेरे को बहुत आसान था ये उसको हटाना, लेकिन क्योंकि पेशेंट का विश्वास इतना था और पेशेंट ने कहा कि सर मेरा पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा और मेरे सर्विस में बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो सर आप प्लीज जो आपका बेस्ट है वो कर करो। तो मैं इनका जब ऑपरेशन किया था तो ये कह के किया था कि अगर मुझे लगेगा कि इसको नहीं बचाना है देन आई विल टेक इट आउट, अगर मेरे को लगता है इसको बचाना है तो ये मेरा डिसीजन है, जैसा मैं कहूंगा वैसा आप करना। तो इन्होंने 100% कहा था जैसा आप कहोगे वैसा ही हम करेंगे। तो इन्होंने मुझे फुल फ्रीडम दी, मैंने इनका ऑपरेशन किया और ऑपरेशन में जो हड्डी लेवल पे 2-3 भागों पे टूटी, जो इन्फेक्शन वाला पार्ट था हमने सब हटा दिया और हमने उसको फ्री किया और उनको हमने वायर से जोड़ा और जितनी भी स्किन की कमी थी उस स्किन को कवर किया और नाखून को भी रिपेयर किया। और उसके कारण अगर आप देखोगे तो इनकी जो उंगली है फुल नाखून भी बचा हुआ है इनका और ये जॉइंट भी बचा हुआ है इनका और स्किन भी पूरी है इनकी, बिल्कुल पास लाओ ना इतनी दूर से नहीं, ये फुल स्किन भी है इनकी, नाखून भी पूरा बचा हुआ है और इसका मूवमेंट भी करके दिखाओ सर आप, ऐसे ऊपर नीचे करके दिखाओ और ये इसमें मूवमेंट भी है। तो दिस इज 100% सक्सेस, नाखून भी पूरा आ जाएगा और ये इनका काम भी हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी अकॉर्डिंग टू मी। थैंक यू सो मच।